चलिए आज बनाते हैं हेल्दी समोसा। बिना तले बिना मैदे के ये समोसा टेस्टी रहेगा, हेल्दी रहेगा और डाइट कॉन्शियस के लिए एकदम आशीर्वाद रूप रहेगा। बहुत ही टेस्टी लगता है ये समोसा, बिल्कुल क्रंची है। मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी टिप्स के साथ ओटीजी में बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले लगाते हैं हम अपना आटा। तो उसके लिए गेहूं का आटा ही लिया है, जिसे हम रोज रोटियां बनाते हैं वही लेना है। साथ में स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, उसी के साथ अजवाइन डालनी है। हाथों से अच्छे से मसल कर डालिएगा। टेस्ट में अगर थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए तो जो धनिया के बीज आते हैं उसको थोड़ा सा कूट कर डाल दीजिएगा। उसी के साथ मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है मौन के लिए, और ये बहुत जरूरी स्टेप होता है। इससे हमारा जो पड़ है वो बिल्कुल खस्ता बनेगा, जो बाहरी परत है वो। अब अच्छे से सब कुछ हमें मिला देना है। अभी पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है हमें इसमें। सब कुछ अच्छे से मिल जाए उसके बाद हम थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी होता है उससे आटा बनाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा हमारा समोसा। हम ऑयल का मतलब फ्राई नहीं करने वाले हैं, तो थोड़ा सा जो ऑयल है हम आटे में ज़्यादा मिलाएंगे ताकि हमारा जो बाहरी परत है वो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो, वरना बिल्कुल सूखा सूखा लगेगा तो फिर खाने में इतना मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए हमारा आटा बिल्कुल गूंदकर तैयार हो चुका है। नहीं रोटी का बनाना है, नहीं भाकरी का यानी कि परोठे का बनाना है, बीच वाला थोड़ा सा सॉफ्ट थोड़ा सा कड़क ऐसा बनाना है। तो उसी के साथ मैंने यहाँ पर मैदे का भी बनाया है ताकि मैं आपको ओटीजी में दिखा सकूँ कि दोनों समोसा कितने अच्छे से बन सकते हैं या कितने अच्छे से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर दोनों आटे को मैंने अच्छे से तैयार कर दिया है, अब 10 से 15 मिनट के लिए रेस पर छोड़ देंगे। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप की ओर, जो कि है आलू का स्टफिंग। यहाँ पर धुआंधार तेल हम एक चम्मच गरम करेंगे, उसमें जीरा डाल देंगे, उसी के साथ हम कूटा हुआ जो धनिया का बीज आता है वो एक चम्मच जितना लिया है उसे भी डाल देंगे। साथ में गरम मसाला लिया है, उसको अच्छे से डालकर मिक्स करना है। गैस की फ्लेम बंद कर दी है ताकि हमारा मसाला जले ना। उसी के साथ फिर से गैस की फ्लेम चालू करके थोड़ा सा सॉफ्ट कूटा हुआ है उसको डाल दूंगी, और उसी के साथ डालना है हमें मिर्च अदरक और लहसुन का पेस्ट। लहसुन बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने भी नहीं डाला है, सिर्फ अदरक और मिर्च का पेस्ट है ये। अच्छे से अब सब कुछ मिक्स करना है, जलाना नहीं है, बस इन तीनों का जो कच्चापन है या फिर इन दोनों का जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए। उसके साथ हरा मटर डाला है, पका हुआ है तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं रहेगी हमें। बस थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे हम, और उसी के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी ताकि हमारा जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा इससे। अगर आप यहाँ पर आलू का स्टफिंग नहीं यूज़ करना चाहते हो तो कच्चे केले को बॉईल कर दीजिएगा और फिर आलू की जगह उसका यूज़ करिएगा, तो फिर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उसका भी। क्योंकि अगर जैन हो या तो फिर आलू नहीं खाते या फिर बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होंगे तो आलू को ज़रूर अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पर आलू डाल दिया है, उसी के साथ मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ी सी चीनी डाली है ताकि हमारा टेस्ट बैलेंस हो जाए, धनिया जीरे का पाउडर, आमचूर का पाउडर, थोड़ी सी हींग डालनी है, और साथ में डाल देंगे हम एक से डेढ़ बड़े नींबू का रस। मसाला आप अपनी तरह से कम ज़्यादा कर सकते हो, पर ये जो परफेक्ट माप के साथ मैंने बताया है ये चार लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अच्छे से अब सब कुछ हमारा आलू के साथ जो मसाला है वो मिक्स कर देंगे हम। उसी के साथ हम डाल देंगे हरा धनिया और साथ में हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट जो कि होगा पुदीना। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 5-6 पत्ते काफ़ी रहेंगे, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर तीखा कम लगे तो थोड़ा सा चिली फ्लेक ऊपर से डाल दीजिएगा, लाल मिर्च बिल्कुल भी मत डालिएगा। साथ में यहाँ पर मैंने जो कड़ी पत्ते आते हैं वो डाले हैं, अगर आपको पहले डाले हैं तो बेशक डाल सकते हैं, पर अगर लास्ट में डालेंगे तो इसका जो टेस्ट होगा वो लॉक हो जाएगा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसे, एकदम फ्रेश वाला। तो अच्छे से थोड़े से हम आलू अपने मैश कर देंगे, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, जैसे हम बटेटा वड़ा में या इस तरह से जो स्टफिंग बनाते हैं वैसे नहीं करना है, थोड़े थोड़े जो आलू है वो खाने में आने चाहिए। चलिए अब हमारा तीसरा स्टेप है जो कि है पूड़ी बेलना। तो उसके लिए आपको जितना बड़ा समोसा चाहिए होगा आपको जो पूड़ी का लुई है उतना बड़ा ही लेना होगा ताकि हमारा समोसा बड़ा निकल कर आए। अच्छे से गोल पूड़ी को बेल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोटी या पतली नहीं बेलना है, बिल्कुल मीडियम साइज में करेंगे हम। बीच में से अच्छे से कट लगा देना है, साइड के किनारों पर पानी लगा देंगे हम और इस तरह से उसको कुछ रोल कर देंगे ताकि हमें कॉर्न का शेप मिल जाए। अच्छे से प्रेस करिएगा वरना तलते वक्त या तो फिर ओटीजी में रखते वक्त वो जो समोसा है वो खुल जाएगा। तो आलू का स्टफिंग हम अच्छे से फिल कर देंगे उसके अंदर, और देखिए जहाँ से हमने लॉक किया है उसके बिल्कुल सामने वाली जगह पर एक छोटी सी चिमटी लेंगे और दोनों साइड को अच्छे से लॉक कर देंगे पानी के साथ ताकि हमारा स्टफिंग जो है वो बाहर ना आ जाए। देखिए कुछ इस तरह से हमारा समोसा है उसका शेप बनकर बाहर निकले। देखिए याद रखिएगा पानी लगाकर सब कोनों को अच्छे से प्रेस करिएगा वरना हमारा स्टफिंग बाहर आ जाएगा। अब उसी तरह से दूसरा समोसा दिखा रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से उसी कट से हमें पानी लगाकर सब कुछ अच्छे से प्रेस कर बंद कर देना है, साथ में कॉर्न जैसा शेप आ जाए उसके बाद स्टफिंग हमें अच्छे से फिल कर देना है। अब कुछ भी नहीं करना है, बस दोनों जो साइड से हमारी उसको एक साथ प्रेस कर बंद कर देना है, लॉक कर देना है।
देखिए हमारा ये दूसरा वाला समोसा भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। तो आपको जो भी शेप पसंद आ रहा हो, जो भी इजी लग रहा हो आपको, उस हिसाब से आप समोसा जो है वो तैयार कर दीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से मैंने मैदे के जो समोसे थे वो भी तैयार कर दिए हैं। मैं आपको दोनों आटे से इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ऊटी जी में कितने अच्छे से हमारे समोसे मैदे वाले हो या आटे वाले हो वो बेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑयल लगा देना है, आप ब्रश से ऑयल लगा दीजिएगा। दोनों तरफ अच्छे से ऑयल लगाकर हमें सिर्फ 2 से 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देना है। तो उसी के साथ यहाँ पर ये मैदे वाले और आटे वाले दोनों समोसों को ऑयल से ग्रीस करके अच्छे से छोड़ दिया है। तब तक हम हमारा ओटीजी प्रीहीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 180 डिग्री पर 5 मिनट के लिए ओटीजी को गर्म करने के लिए छोड़ा है। उसके साथ रोटेसरी फैन ऑन रखिएगा और 5 मिनट का टाइमर लगा दीजिएगा। अब हमारी बारी है बेक करने की समोसा को। तो 180 डिग्री पर ही मैंने पहले 15 मिनट के लिए इसको बेक करने के लिए छोड़ दिया है। अब पलटा देंगे और फिर से 10 से 15 मिनट के लिए हम दोनों रोड पर इसको बेक करने के लिए छोड़ देंगे और ये हमारा हेल्दी समोसा बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रंची भी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ समोसा चाट बनाना। तो यहाँ पर समोसे को अच्छे से तोड़ लिया है मैंने और उसके बाद हम इसमें एक गुड़ इमली की चटनी डालेंगे, साथ में हरी चटनी जो आती है तीखी वाली वो डाल देंगे। उसी के साथ मैंने यहाँ पर जो लहसुन की चटनी आती है तीखी तीखी वो वाली डाली है, साथ में डाल देंगे चाट मसाला और उसी के साथ थोड़ा सा दही डाला है। चाट में दही तो बहुत ज़रूरी ही होता है। साथ में सेवैया डाल देंगे, ऑनियन डाला है, उसके साथ यहाँ पर जो बाजार में पीनट्स मिलते हैं मसाला वो भी बहुत अच्छा लगता है, धनिया डाल दाड़म डाल देंगे, कोकोनट क्रंच डाल देंगे, थोड़ा सा नमक छिड़कना है और उसके बाद हमारा टेस्टी सा समोसा चाट बिल्कुल तैयार है। तो गुजरात का स्पेशल समोसा चाट खाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एयर फ्रायर और ओटीजी के समोसे में आपको क्या फर्क लग रहा है और साथ में तले हुए समोसे का कंपैरिजन ये करता है कि नहीं। हालांकि मैंने ये दूसरी से तीसरी बार बनाया है और जिनको भी खिलाया है उनको इतनी जल्दी पता नहीं चला है कि ये तला हुआ नहीं है बल्कि ओटीजी में बैक किया हुआ है। और इसके साथ जो ये चाट बनती है वो तो बहुत ही टेस्टी लगती है और बिल्कुल हेल्दी रहेगी। तो आपको अगर पसंद आई हो मेरी रेसिपी, मेरे एफर्ट्स, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको और कोई भी रेसिपी जाननी हो जो कि हम हेल्दी बना सकते हैं ओटीजी में, तो आप मुझे एक बार जरूर कमेंट करिएगा, मैं आप तक वो रेसिपी पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।